नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब नवरस्त होगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिनभर क्या रहा। रात भर नगर निगम गेट पर धरना देता रहा परिवार मासूम की मौत। परसाखेड़ा गोटिया और गोकुलपुर गगैया में आजादी के 76 साल बाद भी सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों का धरना नगर निगम गेट पर दूसरे दिन भी जारी रहा। रात भर ग्रामीण और महिलाएं ठंड में ठिठुरते रहे और सुबह अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे। परसाखेड़ा गोटिया निवासी हरिचंद भी पत्नी पुष्पा देवी और 1 साल की बेटी विद्या के साथ रात भर धरने पर बैठे थे। इस दौरान उनकी बेटी को ठंड लगने से निमोनिया हो गया। सुबह वह उसे डॉक्टरों के पास ले गए लेकिन दोपहर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद धरने पर बैठे बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं को टेम्पू से गांव भिजवा दिया गया। मामले में अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि घटना काफी दुखद है। निगम में 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने बताया कि कल से समझाया जा रहा था कि रात में बच्चों और महिलाओं को धरने पर ना बैठा लें। नगर निगम की ओर से बच्ची के नाम से मार्ग का निर्माण कराया जाएगा। उधर शनिवार को नगर आयुक्त निधि गुप्ता वस्त ने पहुंचकर कुछ ग्रामीणों से बात करी जो विफल हो गई। नगर आयुक्त ने शासन को प्रस्ताव भेजने का मौखिक आश्वासन दिया जबकि ग्रामीण लिखित में मांगते रहे। ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। उधर नगर निकाय कर्मचारियों की 13 सूत्री मांगों का निस्तारण न होने पर कर्मचारियों ने भी कारबंदी करते हुए प्रदर्शन करा। बोले, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे जारी रखा जाएगा। धोपेश्वर नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नाथ नगरी बरेली में प्राचीन धोपेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना और नारियल तोड़कर भूमि पूजन के साथ इसका शुभारंभ किया। सौंदर्यीकरण के दौरान मंदिर में सत्संग भवन, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए आकर्षक शेड और शानदार लाइटों से मंदिर को सजाया जाएगा। उन्होंने सहायक परियोजना प्रबंधक भूपेंद्र सिंह और पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष सिंह के साथ मंदिर का निरीक्षण करा। देखिए इस मौके पर उन्होंने क्या जानकारी दी। वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है कि सभी धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे और जहां पर जो आवश्यकता होगी उसकी देंगे। उसके तहत इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जिसका अपना अलग महत्व है, धोपेश्वरनाथ मंदिर की पूरे प्रदेश देश में पहचान है और एक पुनरुद्धार सरकार के द्वारा हो रहा है और यहां पर हम सब और माननीय विधायक जी करते थे कि बहुत ही अच्छा कार्य है। हमारा मानना है कि ऐसे प्रसिद्ध जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके कार्य को अच्छे ढंग से किया जाए और क्वालिटी भी ठीक बनी रहे, ये वास्तव में समाज के हित का, देश के हित का। मौलाना बोले, राम मंदिर तैयार, मस्जिद का नहीं हुआ निर्माण। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद के एवज में मौजा धनीपुर जिला फैजाबाद में 5 एकड़ जमीन दी गई थी। मस्जिद के निर्माण के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जो अफसोसनाक है। जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। मौलाना ने आगे कहा कि मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए काबा शरीफ के इमाम के बजाय प्रधानमंत्री से गुजारिश करके समय लिया जाता क्योंकि वह 22 जनवरी को खुद अयोध्या में मौजूद होंगे, इसलिए धनीपुर मस्जिद में जाना उनके लिए बहुत आसान होगा। मौलाना ने कहा कि कई साल गुजरने के बाद भी मस्जिद के निर्माण के लिए कोई कदम आगे नहीं उठाया गया, बल्कि मस्जिद के नाम पर चंदा करने की अपीलें की जा रही हैं। इन सभी बातों से भारत का मुसलमान आहत है। मौलाना तौकीर 18 दिसंबर को दिल्ली में करेंगे मुस्लिम पंचायत। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां अब 18 दिसंबर को दिल्ली में ऐवान ए गालिब ऑडिटोरियम में मुस्लिम पंचायत करेंगे। इसमें मौलाना की प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत का एजेंडा सेट होगा, साथ ही पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि मौलाना को मुस्लिम महापंचायत के लिए कोर्ट की ओर से रामलीला मैदान में 10,000 लोगों की परमिशन मिल गई है, जिसे बढ़ाने के लिए मौलाना की ओर से दोबारा याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले 18 दिसंबर को ऐवान ए गालिब ऑडिटोरियम में मुस्लिम पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आईएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर नफीस खां की अगुवाई में दिल्ली रवाना हो गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सौंपी गई पीएम आवास की चाबी। बरेली इंटर कॉलेज ग्राउंड में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रक्षेत्र के प्रभारी संतोष सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने लाभार्थियों को पीएम आवास की चाबी सौंपते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सभी जाति और धर्म के लोगों को मिल रहा है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक कार्यक्रम छोटी विहार में आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीडीए ने फनसिटी के पीछे बन रही अवैध कॉलोनी पर चलाया बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को गांव धरेरा माफी में फनसिटी के पीछे बन रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। साबिर की ओर से करीब 4 बीघा जमीन में यह अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी।
अयूब खां चौराहे पर लगी पटेल साहब की बड़ी प्रतिमा। अयूब खां चौराहा यानी पटेल चौक पर इन दिनों स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। इसके तहत पटेल चौक पर स्काई वॉक का निर्माण कराया जा रहा है। पिछले दिनों चौक पर लगी पुरानी पटेल प्रतिमा को हटा दिया गया था, अब शनिवार को उसके स्थान पर नई बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। डॉक्टर के घर में चोरी करने की कोशिश, वीडियो वायरल। प्रेमनगर के मोहल्ला चाहवाई निवासी प्रदीप श्रीवास्तव मुंबई में डॉक्टर हैं। शुक्रवार रात चोर ने उनके घर में बनी दुकान का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश करी। इस दौरान उनके पड़ोसी ने घटना का वीडियो बना लिया। पड़ोसी को देखकर चोर फरार हो गया। पड़ोसी की सूचना पर उन्होंने पुलिस से शिकायत करी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में गांव सोहरा निवासी 65 वर्षीय जानकी प्रसाद हत्या के केस में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। शुक्रवार देर रात अचानक जेल में उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें आनन फानन जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जेलर ने परिजनों को इसकी सूचना दी तो वे सन्न रह गए। अस्थि विसर्जन करने गया परिवार, घर में लग गई आग। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बांधखाना गुलाबनगर पक्का बाग निवासी शांति प्रसाद के पड़ोस में रहने वाले ममेरे भाई चंदपाल प्रजापति का 8 दिन पहले देहांत हो गया था। शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे परिवार वाले अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गए थे। घर पर सिर्फ महिलाएं थीं। इस दौरान पानी गर्म करने के लिए गैस चूल्हा जलाया गया तो गैस सिलेंडर के पाइप ने आग पकड़ ली और भीषण लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने वॉशिंग मशीन, सोफा सेट समेत अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। महिलाओं ने चीख पुकार मचाई तो आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। पहले महिलाओं को सही सलामत घर से निकाला और फिर आग पर किसी तरीके से काबू पाया। सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब मानव संपदा पोर्टल से ही जारी होगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन। अब अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल से ही जारी होगा। शासन के आदेश पर दिसंबर माह का वेतन मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही 1 जनवरी 2024 को जारी होगा। इसके लिए डीएम रविंद्र कुमार ने शनिवार को सभी कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी का पूरा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। लखनऊ हाईवे पर आपस में टकरा गए 4 वाहन, लगा जाम। लखनऊ हाईवे पर सुबह के वक्त 4 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसा तेज रफ्तार ट्रक के सामने अचानक बेसहारा पशु आ जाने से हुआ। ट्रक चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लिए तो पीछे से आ रही कार उसमें घुस गई। पीछे चल रहे वाहनों के चालक ब्रेक मार पाते उससे पहले उनकी भी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक डंपर तो बचने के चक्कर में रोड से नीचे चला गया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लगने से खलबली मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के पीछे चल रही कार में बैठे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, फिर क्रेन मंगवाकर वाहनों को किनारे करा और जाम खुलवाया। बरेली जंक्शन पर खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। शनिवार देर शाम बरेली जंक्शन परिसर में खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। चंद मिनट में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार स्वामी रिश्तेदार को छोड़ने जंक्शन आए थे, इस दौरान कार में आग लग गई। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।